ही हाथों में मोबाइल, रात को सोते समय लाइक्स, सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड कर रहा है, किसने फोटो पर कमेंट किया, किसने नहीं। आजकल सोशल मीडिया यूजर्स दिन रात इसी सोच में डूबे रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोशल मीडिया की बढ़ती लत आपके मेंटल हेल्थ पर कितना बुरा असर डाल रही है? तो चलिए जानते हैं कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है। नमस्ते, मैं हूं मानसी और आप हैं मंच पर। जहां एक ओर सोशल मीडिया सबके लिए वरदान साबित हुआ है, वहीं दूसरी ओर इसके कुछ अनछुए पहलू भी हैं, जिसका असर बच्चों से लेकर हर उम्र के लोगों की मानसिकता पर पड़ रहा है। दुनिया भर में मेंटल हेल्थ पर सोशल मीडिया के प्रभाव पर आंकड़े बताते हैं कि ये हर पीढ़ियों के लिए हानिकारक है। भारत में सोशल मीडिया 41 से 56 साल के लोगों को किसी भी दूसरी पीढ़ी की तुलना में ज्यादा मानसिक बीमार कर रहा है। इस उम्र के 12% लोगों ने खराब मेंटल हेल्थ की बात कही है। इसका खुलासा मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट के सर्वे में हुआ है। मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट ने 26 देशों में भारत सहित 42,000 लोगों पर स्टडी किया। स्टडी के मुताबिक दुनिया का ट्रेंड भारत से अलग है। दुनिया भर में सोशल मीडिया की वजह से 18 से 24 साल के युवा सबसे ज्यादा मानसिक बीमार हो रहे हैं। वैश्विक स्तर पर 57 से 75 साल के हर 7 में से एक बेबी बूमर्स ने कहा कि पिछले 3 सालों में उनका मेंटल हेल्थ गिरा है, जबकि हर 4 में से एक युवा मानसिक बीमार हो रहे हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाएं करीब 2 गुना ज्यादा प्रभावित हुई हैं। देश में 12% बुजुर्ग, 9% युवाओं का मेंटल हेल्थ खराब है। सोशल मीडिया एंजाइटी डिसऑर्डर प्यू रिसर्च में छपी स्टडी के मुताबिक बुजुर्गों में सोशल मीडिया का बढ़ता इस्तेमाल अवसाद की सबसे बड़ी वजह है। अमेरिका में हुई स्टडी में पाया गया कि सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल बुजुर्गों में अकेलापन की वजह भी बन सकता है। बीबीसी के मुताबिक सोशल मीडिया पर हमेशा डटे रहने की वजह से नींद पर भी बुरा असर पड़ता है। अब आपको बताते हैं कि दुनिया में हर दिन सोशल मीडिया पर किस उम्र वर्ग के कितने प्रतिशत लोग अपना समय बिता रहे हैं। बात करें अगर 18 से 24 आयु वर्ग के लोगों की, तो इसमें 35% लोग 2 घंटे से ज्यादा समय बिता रहे हैं। वहीं 23% लोग 1 से 2 घंटे, 36% लोग 10 मिनट से 1 घंटा, 4% लोग 1 मिनट से भी कम, और वहीं 2% लोग बिल्कुल भी सोशल मीडिया पर समय नहीं बिता रहे हैं। वहीं अगर बात करें 25 से 40 आयु वर्ग के लोगों की, तो यहां पर 24% लोग 2 घंटे से ज्यादा समय बिता रहे हैं। वहीं पर 20% लोग 1 से 2 घंटे, 47% लोग 10 मिनट से 1 घंटा, 7% लोग 1 मिनट से भी कम, और वहीं 2% बिल्कुल भी नहीं। वहीं बात करें 41 से 56 साल के आयु वर्ग के लोगों की, तो यहां पर 17% लोग 2 घंटे से ज्यादा समय बिता रहे हैं। वहीं 70% लोग 1 से 2 घंटे, 49% लोग 10 मिनट से 1 घंटा, वहीं 12% लोग 1 मिनट से भी कम, और 5% लोग बिल्कुल भी नहीं। इसी के साथ बात कर लेते हैं 57 से 75 साल के आयु वर्ग के लोगों की, जहां पर 14% लोग 2 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं। वहीं पर 14% लोग 1 से 2 घंटे, 48% लोग 10 मिनट से 1 घंटा, वहीं पर 14% लोग 1 मिनट से भी कम, और 10% लोग बिल्कुल भी समय सोशल मीडिया पर नहीं बिता रहे हैं। दरअसल भारत में पिछले 1 साल में 36% लोग मेंटल हेल्थ की समस्याओं से निजात पाने के लिए डिजिटल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर 5 में से 4 लोगों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम उनके मेंटल हेल्थ को फायदा पहुंचाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से किस आयु वर्ग के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। बात कर लेते हैं मानसिक स्वास्थ्य की, तो यहाँ पर 18 से 24 साल के 9% लोग, 25 से 40 साल के 9% लोग, 41 से 56 साल के 12% लोग, और 57 से 75 साल के 7% लोग मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं। तो वहीं बात करें सामाजिक स्वास्थ्य की, तो यहाँ पर 18 से 24 साल के 8% लोग, 25 से 40 साल के 10% लोग, 41 से 56 साल के 12% लोग, और 57 से 75 साल के 6% लोग सामाजिक स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं। वहीं अगर बात करें आध्यात्मिक स्वास्थ्य की, तो यहाँ पर 18 से 24 साल के 6% लोग, वहीं 25 से 40 साल के 8% लोग, 41 से 56 साल के 8% लोग, और 57 से 75 साल के 6% लोग आध्यात्मिक स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें शारीरिक स्वास्थ्य की, तो यहाँ पर 18 से 24 साल के 7% लोग, 25 से 40 साल के 6% लोग, 41 से 56 साल के 12% लोग, और 57 से 75 साल के 6% लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर आप भी सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताते हैं, तो थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। स्टोरी को आपके लिए तैयार किया है हमारे साथी मंचकार रमन ने। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें।